पैसे की लालच में आदिवासी समाज की 22 वर्षीय युवती अधेड़ व्यक्ति के साथ फरार हो गई, जिसके विरोध में आदिवासी समाज ने पुलिस थाना के सामने धरना दिया है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसी कहानी छिंदवाड़ा से सामने आई है। छिंदवाड़ा उमरेठा थाने के अंतर्गत लालच और बहकावे में आकर एक आदिवासी समाज की 22 वर्षीय युवती एक 50 वर्षीय अधेड़ ईसाई व्यक्ति के साथ अचानक फरार हो गई, जिसके विरोध में आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ और उमरेठा थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और इस मामले में पुलिस की लापरवाही की बात कहते हुए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। समाज एवं हमारे मावासी भाई और समस्त आदिवासी संगठनों द्वारा आज हम टीआई महोदय के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी हम 2 घंटे से लगभग यहाँ पे ज्ञापन ले खड़े, पर अभी शासन प्रशासन तरफ से कोई नहीं आया है और हमें ज्ञात हुआ है कि रात्रिकालीन कल एक हमारे आदिवासी भाई के यहाँ की सुपुत्री गीता उइके का विवाह क्रिश्चियन धर्म के रोबिनसन द्वारा के साथ कर रहे थे और टीआई महोदय एवं प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचकर इन लोगों ने शादी रुकवाई और दुल्हन को यहाँ से नागपुर पहुँचवा दिया। आज हम लोग सभी समाज ये जा रहे हैं कि भाई शादी आपने किस आधार में रोकी और शादी रोकी तो दुल्हन कहाँ है और ये एक क्रिश्चियनों की सोची समझी साजिश है। उनने टीआई साहब से बात किया और दुल्हन को वहाँ लेके चले गए। हमारा ये कि आदिवासी परंपरा में आदिवासी समाज सिर्फ आदिवासी समाज से शादी करता है, वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिला हुआ, जिसका विरोध हम सब कर रहे हैं और जब तक हमको टीआई साहब जवाब नहीं देंगे तब तक हम घर भी नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।